बहुत बड़ा पूर्वा ध्वज है जो कि पूर्वा बिखर चुका है। आने वाले दिन में डॉक्टर सौरभ कैमरा चल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनेगी, ये तो एकदम तय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और हर तरह से लोगों के बीच हम लोग जाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रम को लागू कराएंगे। और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से एक दलीय शासन सिर्फ पुलिस और गुंडों को लेकर चल रहा है, इसके खिलाफ पूरे तौर पर लड़ाई है। और पूरे बंगाल में अगर पार्टी ने मुझे दायित्व दिया काम करने का, तो पूरे बंगाल के गांव गांव में घूमकर गर्मियों को तैयार किया जाएगा जो कि इनके खिलाफ लड़ सके, मार खाएं लेकिन बूथ नहीं छोड़े, ऐसे कर्मियों की जरूरत है। तभी पश्चिम बंगाल से इस अत्याचारी शासन को अपने कहा कि सरकार जो है बीजेपी की सरकार तो ये क्या कई लोग जो है आपको पार्टी में आने को तैयार है। अभी फोन में जैमर लगा हुआ बाहर निकलते घूमू नीचे ना मान, और मैंने जो किया है लोगों के सामने वादा मेरा दायित्व है, पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस का सफाया। अभिषेक बंदोपाध्याय ने एक दावा किया था कि 2 लाख से 1 वोट में जो कमल होता है तो आज आप जीत गए, क्या कहेंगे? अभिषेक बनर्जी जी को मैंने पहले भी कहा था कि राजनीति को उनके ज्ञान नहीं, राजनीति ज्ञान नहीं, उनको इलेक्शन का कोई आइडिया नहीं, सोना का चम्मच है कि बिना नहीं है, सोना का चम्मच खाते हैं, सोना का चम्मच वो जो चैलेंज किए थे वो बचकानी चैलेंज था और इसका जवाब मैंने खुद नहीं दिया। मैं सिर्फ एक ही काम करूँगा, किरानी रासमणी रोड में एक मंच बनाऊंगा यदि पुलिस मुझे परमिशन दे, और माइक में आवाज़ दूंगा पत्रकारों के सामने कि भाई आपने कहा था कि 2.5 लाख वोट, पहले 2 कहा फिर 2.5 कह दिया था कि 1 भी कम होगा तो हम तो आपके घर तो पहुंच नहीं पाएंगे, पूरा पुलिस की व्यवस्था रहती है, तो कम से कम आप आगे जवाब तो दे जाइए कि इसके बाद आप संन्यास लेंगे, रिजाइन देंगे या क्या करेंगे। देखिए ममता दीदी जुझारू नेत्री है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन ममता दीदी को अपनी आंखों से देखना, कान से यदि देखेंगे तो बंगाल में और भी बुरा हाल उनका होगा। कान से देखना बंद कर दें, और जो चाटुकार हैं आकर जिनका अपना कोई ठिकाना नहीं है वो ममता दीदी को ज्ञान देते हैं और ममता दीदी को वही दिखाई देता है। और जो अवस्था कुंज भट्टाचार्य का 2010 साल 2011 साल में हुआ कि सारे अमला के लोग उनके परामर्श दाता हुए थे और उन्हें लोगों ने सुना जाना क्या है।